ये किरण चौधरी जी का रेजिडेंस भिवानी कोठी, ये देखिए पूरा फूलों से सजा रखा है, गुब्बारों से सजा रखा है। और इसके अंदर देखना, ये लोग पहुंच रहे हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का आज 77वां जन्मदिवस। ये नेतागण खड़े हैं, ये देखिए अभी मैडम किरण चौधरी जी के इंतजार में खड़े हैं सभी। ये पंडाल पूरा सजाया जा रहा है, ये मड्डू है आगे भी देख, ये देखिए। यहाँ शुरुआत प्रोग्राम की होने जा रही है, लेकिन तेरे कदम डगमगाने नहीं चाहिए। क्या कहा अपनी माँ को और क्या माने अपने बेटे। ये भिवानी कोठी पर खाने का प्रोग्राम, ये तैयारियां चल रही हैं, ये सलाद काटी जा रही है, ये देखिए पूरी तैयारी। ये देखिए बैठे हुए सभी नेतागण किरण चौधरी के आने के बाद सभी बुजुर्गो नौजवान भाइयों माता और बहन खचा खच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे ये देखिए मैडम किरण चौधरी जी की इनके लिए देवा रही राम राम ठीक हो उनके सत्य उनकी जयंती मनाने ये तभी हमारे लिए साकार होगी। पूरा हल खचाखच भर गया उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके मैडम किरण चौधरी और बहन सूखी चौधरी का तन मन धन से हम उनका साथ दें और जो सपने उन्होंने देखे थे उनको पूरा करें और आने वाले समय में ये भिवानी की चौधर बहन स्वरूपी केंद्र में मंत्री हो और श्रीमती किरण चौधरी हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, यही आप लोगों की हम सब की इच्छा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। मैडम किरण चौधरी जी और बाकी के नेता यहाँ पहुंच चुके हैं, मेरी प्रार्थना एक बार नारे लगा करके उनका स्वागत करें। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी संघर्ष करो, किरण चौधरी आगे बढ़ो, किरण चौधरी जिंदाबाद। जोर से बोलो, से बोलो तभी किरण चौधरी जिंदाबाद, 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 किरण चौधरी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। किरण चौधरी किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी पक्षी लाल अमर रहे, चौधरी पक्षी लाल अमर रहे, मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, बहन श्रुति, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, सुभाष बैठ जाओ, ये दादा
हमने किरण चौधरी जी के साथ चल रहे हैं, तो हमने मान साहब और सुरेंद्र जी के बारे में दो शब्द हमारी बहन थोड़ी आवाज बोल दो क्या, थोड़ी आवाज करवा उसकी माइक ठीक। किरण चौधरी जी और हमारे होम मिनिस्टर पत्रा जी, पंकज पुनिया जी, परमजीत जी जी ने घर में घर के लोगों ने घेरने की बात करी। जब गृह युद्ध होता है तो दूसरे मुल्क से डरने की बात नहीं होती, अपना गृह युद्ध से कभी बार राजा हार जाता है। घर में भी हराने की कोशिश की किरण चौधरी को, और आपके पड़ोस के लोगों ने भी की। आज हम सुरेंद्र जी के जन्मदिन पर खुशी की बात करेंगे। ऐसा नेता जो आज अगर आपके बीच में होता, आज भिवानी का नक्शा देश के वर्ल्ड के नक्शे पर अगर होता। भगत सिंह चौधरी जी ने एक बात कही थी कि मैं चौधरी बंसीलाल के विचारों को और सुरेंद्र के विचारों को जिंदा रखूंगी। हम उससे प्रसन्न होकर, भाई पंकज ने मेरे से कहा, भाई जयपाल 30 साल किसी एक आदमी की आपने सेवा की, इनकी भी करके देख। मैं किरण चौधरी के 5 साल पहले इनके साथ में आया था तो थोड़ा थोड़ा मिलते रहे। जब हमें लगा कि किरण चौधरी को नहीं मारना चाहते, भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो बंसी लाल के विचार को मारना चाहते हैं। किरण चौधरी तो एक मोरा है, वो बिहानी को मारना चाहते हैं। अगर आज बिहानी किसके नाम से जानी जाती है, चौधरी बंसी लाल के लौह पुरुष के नाम से। पंजाब ने जब ये कहा था कि पंजाब में घुस नहीं सकते, रातों रात सिर्फ एक साधारण आदमी नहीं कर सकता है काम, आपका रास्ता अलग करके चंडीगढ़ को जाने का काम चौधरी बंसीलाल ने किया। और भाई एक सिर्फ एक रानी को एक वजीर से अगर आप मरवाना चाहते हो तो ये बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। आपके लिए सबसे ताकत अब की बार श्रुति को लोकसभा में भेजे और बहन जी को विधानसभा में भेजेंगे। आपके बीच में आपका मुख्यमंत्री एक बार फिर आपको लगेगा कि बंसीलाल आपको बीच में खड़ा है। मगर वो ताकत एक साधारण आदमी से लगातार 3 बार जीत जाता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाने का काम करता है। उससे तो बड़ा परिवार है, उससे पहले उससे ज्यादा बार 17 साल चीफ मिनिस्टर है। एक रानी को अगर आप हराने की कोशिश करोगे, आप जिंदा करो भाई। हम अगर बिहानी से पीछे रहे भाई, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जमुनानगर, रोहतक, सोनीपत में हम आपसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करके दिखाएंगे। ये हमारा वादा है, हमारा तुम्हारा ही मुकाबला है इस बात का, ये रहेगा। पहले क्या था, हम चार का मतलब किरण चौधरी, सुरजेवाला, शैलजा जी, कैप्टन जी। जब ये नहीं होंगे सरकार नहीं आ सकती भाई। किरण चौधरी के बगैर कहां से सरकार आएगी भाई। चौधरी बंसीलाल के भाई वहां बात करते, जब मैंने एक आदमी के लिए काम किया भाई, उसकी ताकत जुटाने के लिए 2000 आदमी करने के लिए पूरी ताकत लगती थी। मुझे अब किरण चौधरी के 20,000 आदमी करने में कुछ भी लगता भाई। एक ही बात करी भाई, चौधरी बंसीलाल की पुत्र को दुआ भाई, सुरेंद्र की, और भाई 5 बार की विधायक। लोग कहते चलो भाई मेले में, तो भाई भारी संख्या में हम इसके साथ है भाई। सुन लो, ये डरने वाली नहीं है भाई। क्या कहते हैं कि हमारी जय बोल लो, क्यों बोलना भाई थारी जय, हम तो भाई बिहानी की जय बोलना क्या भाई, बोल के देखो। नहीं बोलते भाई थारी जय, हम क्यों बोलना थारे बेटे की जय भाई, अपनी बेटी की जय बोल लेंगे भाई, उसकी चौधरी की जय बोल लेंगे। और सुन लो भाई, कर ला देंगे भाई पूरे 5-7 जिलों में। बहन जी आप आंदोलन को तेज करो, अगर आपको उन लोगों से ज्यादा नहीं रहा, चाहे विपक्ष हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, आपकी संख्या बंद में अगर आप पिछड़ आ गए, राजनीति छोड़ देंगे बहन जी, ये तेरे भाई का वादा है। और लगातार हमने अपने साथियों को कह रहे क्या भाई, 24 घंटे अलर्ट पे रहना भाई, जैसे मिलिट्री रहती है, 5,000 आदमी 24 घंटे रहेंगे भाई तैयार, जहाँ भी आप गए। मगर ये चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के पंकज पुनिया दिवस पर, पंकज पुनिया, मैं अपनी ओर से, करनाल पूरे जिला की ओर से और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और साथ ही परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं कि आपने इतने अच्छे नेता, इतने अच्छे लीडर, इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हमारे प्यारे नेता को तो ले लिया, लेकिन एक ऐसे विश्वास के साथ उस परिवार में आपने ताकत दी, और उस ताकत को आप जहां भी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी,
उस ताकत को अपने आशीर्वाद से ऐसे ही बनाए रखें, ये हमारी कामना है। ज्यादा श्रीमती किरण चौधरी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और आज के इस आयोजन के बारे में और जो भी संत जी के बारे में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। चला खराब है बिल्कुल पूरी तरह से, लेकिन और बुखार भी चढ़ा हुआ है, लेकिन आपके बीच में वो कहते हैं ना, आने के बाद गला बुखार सब भूल जाती, सारा का सारा जो है जब अपना परिवार सामने नजर आता है तो उसमें और ऊर्जा आ जाती है। आज ये जो प्रोग्राम आपने कोठी पे करा है, सारे मंच पर जो सम्मानित मेरे नेतागण बैठे हैं, मेरे सामने जो मेरी रीढ़ की हड्डी और बहुत ही सारे शुभचिंतक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के, चौधरी बंसीलाल जी के मेरे सामने बैठे हैं, आज मेरे साथ आए हुए हमारे पूर्व मंत्री होम मिनिस्टर सुभाष बत्रा जी, जिनको आपने अभी सुना, इतना तगड़ा भाषण दिया, हमारे साथ उनके सर पंकज पुनिया जी और जयपाल मान जी जो करनाल से आए हुए हैं, जिनको आपने आज सुना, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे करा करनाल के अंदर। बहने और मेरे बहुत पूजनीय बुजुर्गों और मेरे प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का 77 जन्म दिवस है और हरेश हमेशा हर साल आप इस को अपने तरीके से आप आयोजन करते हो, जगह जगह पर, जगह जगह पर अलग अलग होता है। आज मेरे ख्याल में सारा का सारा आप लोगों ने यहाँ कोठी के ऊपर ये करा हुआ है, नहीं तो कहीं कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। अभी मैं गोलागढ़ से भी होके आई हूँ और इसके बाद मेरे ख्याल में कृष्ण मेरे को बता रहा था खाने का भी रखा हुआ है प्रोग्राम सारा, अमर सिंह जी और वो बता रहे सब कि ये यहाँ पर खाने का भी प्रोग्राम आपका है, तो सब खाना खा के आराम से सब लोग जाइएगा। आज हम उनको याद करते हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को क्यों याद करते हैं, क्यों वो हमारे दिलों में बसे हैं, क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को एक 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 की फिक्र होती थी, उनको हमेशा ये रहता था कि मेरा आदमी जो है उसके घर में, उसको ये मालूम होता था कि उसके घर के चौके चूल्हे के ऊपर उसके क्या फकरा है, कहाँ पे उसको परेशानी है, कौन नौकरी लगाना है, किसका क्या काम करना है, 24 घंटे जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के दिमाग में ये बातें रहा करती थी। चौधरी बंसीलाल जी तो मुख्यमंत्री थे तो उनको तो पूरा हरियाणा संभालना पड़ता था, लेकिन कार्यकर्ता को साथ लेकर चलना, कार्यकर्ता की मन की आवाज जो है उसको आगे बढ़ाना, ये सारा काम एक सारथी के रूप में उनके पुत्र चौधरी बंसीलाल जी के, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी करा करते। कोई नाराज हो जाता था, गालियां खाना, कोई गालियां भी खाते थे, मेरे को कहते थे, और जिसको फजूला कह दिया तो फिर यूं सोच लो वो उनका खास हो जाया करता। ये चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की खासियत, और ये खासियत जो है ये सच्चाई में मैं आपको बताऊं, एक पत्नी होने के नाते जब तक मैं दिल्ली की राजनीति करती थी मुझे भी नहीं मालूम था कि किस तरह से लोगों के दिलों के अंदर जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी बसे हुए। वो तो मैं जब अब पिछले 18-19 साल से हरियाणा की राजनीति में आई हूँ तब से मैंने ये देखा कि किस तरह से घर घर के अंदर, हर कोने के अंदर, हर गांव के अंदर, अब जब मैं हरियाणा निकल रही हूँ वहां पर हम समर्थक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के, चौधरी बंसीलाल जी के, तो इससे बढ़कर श्रद्धांजलि और इससे बढ़कर यादगार मैं समझती हूँ और किसी के लिए नहीं हो सकती कि इतने सालों के उपरांत उनको जो याद किया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मान और सम्मान और फख्र की बात। आप भिवानी तो आप लोगों के पास है ही, मैं सारा हरियाणा के अंदर निकली, सारे जो समर्पित हमारे पुराने सिपाही हैं और नए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे पंकज हो या जयपाल मान जी और बाकी पूरे हरियाणा के अंदर अंदर, कल मैं गुड़गांव में थी,
मुझे ये महसूस होने लगा कि हमारा कार्यकर्ता जो बिल्कुल मायूस था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी इतनी भारी बहुमत के साथ जीत के आई थी 2005 के अंदर, और उसके बाद जो हश्र होता चला गया वो केवल इसलिए हुआ कि हमारा कार्यकर्ता अपने घर के अंदर बैठ गया और उसको जो है मायूसियत इतनी मिली कि उसका पूरा नहीं हुआ काम तो अपने घर बैठ गया। इसलिए उस कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए, पार्टी को और मजबूत करने के लिए आगे मैं निकली हूं। और भाई एक बात बात याद रखना, अभी तक मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, जिंदगी में किसी का एक चवन्नी लेके नहीं खाई, किसी से एक चवन्नी का फायदा नहीं उठाया, ये सारी जनता जानती। चौधरी बंसीलाल जी के पदचिन्हों के ऊपर चली हूं, तुम्हारा नाक नीचे नहीं होने दिया कहीं। अब समय आ गया है कि अब जब मेरे ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार सारे पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है, तो सोचो आप लोग बैठकर कि क्यों हो रहा है। कभी सोचा है आपने? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रही हूं। मुझे अपने घर में कुछ नहीं चाहिए। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी बहुत छोड़कर गए हैं, आप जानते हैं इस बात को। अपना भी बहुत है मेरा, चाहे ये बगल वालों ने अभी तक उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हों सुरेंद्र सिंह जी की जमीन जायदाद के ऊपर, लेकिन हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि मैं लड़ाई लड़ रही हूं केवल और केवल आप लोगों के लिए। और क्यों लड़ रही हूं? अगर मेरे को बराबर का हिस्सा मिले, मेरे कार्यकर्ता, मेरे को मतलब मेरे कार्यकर्ता को बराबर का मान सम्मान मिले, मेरे कार्यकर्ता को बराबर का हिस्सा मिले, तो भाई मेरे को लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है या नहीं? लेकिन जब ये देखा जाता है कि एक तरफ इनको एक अलग थलग कर दो और सारा कुछ हम हथिया लें, तो ना भाई ये हम नहीं होने देंगे। बताओ होने दोगे? मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हम नहीं होने देंगे। पार्टी के समर्पित लोग हैं। मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, इधर जा रही है उधर जा रही है, फला हो रहा है दिखड़ा हो रहा है। अरे भाई अगर मैंने कुछ करना होगा तो याद रखना, इस मंच के जरिए कह के जा रही हूं, तुम्हारी रजामंदी के बिना मैं टस से मस कहीं होने वाली नहीं हूं। तो ये बातें, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाएं कि इसको घेर लो चारों तरफ से, और घेरते किसको हैं? जिससे डरते हैं, समझ रहे हो? डर लगता है जिससे, उसी को घेरा जाता है। जो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, उसके उसको कौन पूछता है? सही बात है या नहीं? तो इसलिए सारी की सारी ताकतें अब मेरी तरफ मेरे ऊपर इसलिए जुट गई हैं कि किसी तरह से इसको घेर घोट के इसने मार लो भाई। उन्हें नहीं होनी बेरा भाई, मारने वाला तो भाई ऊपर वाला है। और जहां तक मेरा सवाल है, मन ने तो जो है भाई मारने निकलोगे ना, तुम पता नहीं जो मारू मरूंगी तो खा खा ली भगवान के हाथों, लेकिन इतनी शक्ति जरूर है कि दूसरों ने जरूर ले बैठूंगी। यो नहीं मैं फालतू में, मैं मेरा दम मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा वजूद मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा मान सम्मान मेरे कार्यकर्ताओं से है। जिंदाबाद। हमारे नव निर्वाचित सरपंच चुनकर आए हैं। मैं आज, मेरे को नहीं पता था कि ये प्रोग्राम ऐसे रखा हुआ है, ये तो आप लोगों ने प्रोग्राम रख दिया। आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सारों का। ये जो पंच प्यारे हैं जो बन गए सबके, मैं देख रही थी पूरा विमान ही जो है रंगा हुआ है। तहे दिल से धन्यवाद भाई, आज पूरी विमान ही को याद दिलवा दिया चौधरी सुरेंद्र सिंह जी। तो ये इस तरह से जब आप करते हो
तो अपने आप मेरा खून जो है ना दस सवा शेर से सवा वो कहते ना इतना बढ़ जाता है कि भाई मैं खुद खुद के और काम करती हूँ। Thank you.